कंप्लीट SQL ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम लोग सीखे थे डिफरेंस बिटवीन हैविंग क्लॉज एंड वेयर क्लॉज। उससे पहले हम लोग 24 नंबर वीडियो में हम लोग सीखे थे एग्रीगेटेड फंक्शन। बेसिकली एग्रीगेटेड फंक्शन के बारे में कंप्लीट डिटेल में सीखे थे। एवरेज में कैसे काम करते हैं, काउंट, मैक्स, मीन, सम एंड ग्रुप बाय क्लॉज। तो कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ मैं इस वीडियो में आपको प्रोवाइड किया था। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूज केसेस। ओके, तो आपको वीडियो नंबर 26 को देखने से पहले आपको वीडियो नंबर 24 को देखना जरूरी है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट का होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपने रियल टाइम में उस एवरेज फंक्शन या काउंट या मैक्स या मीन को कैसे यूटिलाइज करेंगे वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो बेसिकली हर एक फंक्शन का, हर एक टॉपिक का मैं यूज केसेस, रियल टाइम यूज केसेस बताऊंगा, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू। और आप जब भी रियल टाइम में काम करेंगे तो आप इस फंक्शन को कहाँ पे और कैसे यूज करेंगे, और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी यदि आपको कोई क्वेश्चन आता है रियल टाइम बेस्ड सिनेरियो बेस्ड, तो आप इनबिल्ट फंक्शन को, एग्रीगेटेड फंक्शन को कैसे सीखेंगे। तो मैं कंप्लीट 1-to-1 आपको सबसे पहले एवरेज, फिर काउंट, फिर मैक्स, मीन, सम, ग्रुप बाय क्लॉज, ये सारे डिटेल में हम बताएंगे कि यूज केसेस क्या होता है, क्योंकि ये काफ़ी हेल्पफुल होगा आपको कोई भी रिक्वायरमेंट को अचीव करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि कैसे हम लोग एवरेज को फाइंड आउट करेंगे, एवरेज का किस सिनेरियो में हम लोग एवरेज यूज करेंगे। तो रियल टाइम यूज केसेस, एग्रीगेटेड फंक्शन, एवरेज, काउंट, मैक्स, मीन, सम एंड ग्रुप बाय क्लॉज। तो इस रिक्वायरमेंट को अचीव करने के लिए हम एक टेबल क्रिएट करते हैं, जो मेरा टेबल का नाम है डिपार्टमेंट टेबल है, और उसमें हम कुछ डेटा को इंसर्ट करते हैं। जो कि इंसर्ट पार्ट डेटा टेबल को कैसे क्रिएट करते हैं, इंसर्ट करते हैं, वो मैं ऑलरेडी लास्ट वीडियो में बात कर चुका हूँ। तो ये हमारे पास टेबल है जो डिपार्टमेंट है, 1 सॉफ्टवेयर, HR, मार्केटिंग, ऑपरेशन, BPO। दूसरा टेबल क्रिएट करते हैं, बेसिकली यहाँ पे एम्प्लॉय टेस्ट क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे एम्प्लॉय टेस्ट में कुछ डेटा हम लोग इंसर्ट करते हैं, जो कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ज्वाइनिंग डेट, ये सारे इंफॉर्मेशन और डिपार्टमेंट नेम भी यहाँ पे इंसर्टेड है। तो यदि आप इस टेबल को जाके यहाँ पे लुकअप करेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि कितना डेटा यहाँ पे इंसर्टेड है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि एम्प्लॉय ID, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ज्वाइनिंग डेट, सैलरी, सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट नेम है। तो आप यहाँ पे एक ऑब्जर्व किए होंगे कि मैं यहाँ पे एक एग्जिस्ट लगाया हूँ। तो बेसिकली कोई भी टेबल यदि डेटाबेस में ऑलरेडी एग्जिस्ट है, ऑलरेडी अवेलेबल है, तो सबसे पहले हम यहाँ इसको चेक करते हैं कि ये टेबल ऑलरेडी अवेलेबल है क्या नहीं है। मैं आपको डिस्कस किया था सिस्टम ऑब्जेक्ट में सारे ऑब्जेक्ट का इंफॉर्मेशन सेव होता है, और टाइप बेसिकली यूजर टेबल का होता है। तो ये टेबल अब ऑलरेडी रहेगा तो सबसे पहले ड्रॉप करेगा, तो फिर उसके बाद क्रिएट करेगा। तो इसका मेन एडवांटेज होता है कि आप सो मेनी टाइम्स, कितने टाइम भी कोड को एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको एरर नहीं देगा। सो फॉर एग्जांपल, सपोज ये टेबल आप यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, लाइक फॉर एग्जांपल सेकंड विंडो में हम जाते हैं, मैं इस सारे विंडो को, अनवांटेड विंडो को सबसे पहले मैं क्लोज करता हूँ। ओके, तो आप न्यू विंडो में आप यहाँ पे जाएंगे, तो आप इस टेबल को क्रिएट किया हुआ है तो दोबारा क्रिएट करेंगे तो ये ऑलरेडी टेबल एग्जिस्ट, ये एरर मैसेज देगा। बट यदि आप सबसे पहले चेक करके उसके बाद हम आप इसको क्रिएट करते हैं, तो आप सो मेनी टाइम्स, कितने भी टाइम्स आप क्रिएट एग्जीक्यूट कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे, वो आपको एरर थ्रो नहीं करेगा। तो एक काफ़ी एडवांटेज होता है सबसे पहले, और ये कोड का बेस्ट प्रैक्टिस भी होता है कोई भी कोड को लिखने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एवरेज का यूज केसेस, एवरेज का रियल टाइम यूज केसेस क्या है। तो यहाँ पे एक सपोज मेरे पास एक टेबल है, एम्प्लॉय टेबल विथ कॉलम एम्प्लॉय ID, डिपार्टमेंट नंबर एंड सैलरी। तो क्वेश्चन है कि राइट ए क्वारी टू एक्सट्रैक्ट ऑल एम्प्लॉय हु हैव सैलरी एवरेज देन द एवरेज, हु हैव सैलरी हायर देन द एवरेज सैलरी।
सपोज कोई भी टेबल है वहाँ पे लाइक इम्प्लाइड टेस्ट टेबल है, तो इफ़ यू पुट द सिलेक्ट स्टार फ्रॉम इम्प्लाइड टेस्ट टेबल या यर यू कैन ऑल्सो एग्जीक्यूट दिस सेम कोड। ओके, तो बेसिकली जब आप यहाँ पे क्वेश्चन है कि पूरे पहले एवरेज सैलरी जो भी इम्प्लाइड टेस्ट टेबल में आप यहाँ पे डेटा इंसर्टेड नहीं है, तो मैं एक्चुअली मैं एक टेबल को ड्रॉप कर दिया था, तो मैं लेट मी क्रिएट अगेन दिस टेबल इम्प्लाइड टेस्ट टेबल एंड इंसर्ट सम डेटा। सो नाउ यू कैन सी इम्प्लाइड टेस्ट टेबल, नाउ वी हैव द डेटा। ओके, सो नाउ वी हैव द डेटा। ओके, सो बेसिकली दे आस्किंग दैट सपोज एवरेज सैलरी इज 20,000, सो कितने इम्प्लॉय का इंफॉर्मेशन, इम्प्लॉय है जिसका सैलरी एवरेज सैलरी से ज़्यादा है, कितने इम्प्लॉय, हाउ मैनी इम्प्लॉय है द सैलरी इज ग्रेटर देन द एवरेज सैलरी ऑफ देयर डिपार्टमेंट। अब यहाँ पे एक और कंडीशन पुट किया हुआ है कि एक ईच डिपार्टमेंट का, सो सपोज हमारे पास डिपार्टमेंट है सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर का एवरेज सैलरी 20,000 है, तो सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट में हाउ मैनी, कितने इम्प्लॉय है, तो आपको डिपार्टमेंट वाइज आपको सबसे पहले एवरेज सैलरी देखना पड़ेगा तो को टेस्ट करने के लिए। तो सपोज आप यहाँ पे एवरेज सैलरी निकालते हैं इच डिपार्टमेंट, और टेबल में यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एवरेज सैलरी इच डिपार्टमेंट, तो एवरेज सैलरी निकालने के लिए एवरेज यूज करते हैं, बट आपको इस डिपार्टमेंट के लिए करना पड़ेगा। तो लास्ट वीडियो में हम लोग देखे थे ग्रुप बाय क्लॉज, तो आप यहाँ पे डिपार्टमेंट क्लॉज लगा, डिपार्टमेंट कॉलम लगाइए, तो इस डिपार्टमेंट में का आपको एवरेज सैलरी मिलेगा। तो व्हेन यू एग्जीक्यूट दिस वन वी हैव टू डिपार्टमेंट, बीपीओ एंड सॉफ्टवेयर, तो बीपीओ डिपार्टमेंट एवरेज सैलरी इज 16,000 एंड सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट एवरेज सैलरी इज 28,000, तो हाउ मेनी इम्प्लॉय हैव दैट इज द सैलरी इज ग्रेटर देन 2875 इन द सॉफ्टवेयर एंड द बीपीओ 16,400। ओके, तो इसको रिट्रीव करने के लिए, अचीव करने के लिए हम लोग को ज्वाइन का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा, जो कि मैं ज्वाइन आपको नेक्स्ट कमिंग सेशन में आपको काफ़ी वीडियो मिलेगा ज्वाइन रिलेटेड। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल से डेटा ले रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे ज्वाइन लगा रहे हैं, तो ज्वाइन डिपार्टमेंट एवरेज सैलरी फ्रॉम इम्प्लाइटेड ग्रुप बाय डिपार्टमेंट वाइज, तो यहाँ पे बेसिकली ये एवरेज सैलरी यहाँ पे है, इस इनर क्वायरी को आप एग्जीक्यूट करोगे, जो कि मैं टॉप में लिखा था, इसका एवरेज सैलरी आ रहा है 16,000, और उसका मैंने एक एलियाज नेम दिया था एस, और इसका डिपार्टमेंट इजकल टू एस डिपार्टमेंट इजकल टू ई डिपार्टमेंट, और यहाँ पे हम कंडीशन पुट कर दिए हैं, क्योंकि यहाँ पे सैलरी ग्रेटर देन, राइट, ई डॉट सैलरी नथिंग बट इसका सैलरी ग्रेटर देन एवरेज सैलरी, जो भी सैलरी आ रहा है, तो ये आपको रिक्वायरमेंट अचीव हो जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको रियल टाइम में पूछा जाएगा, तो बेसिकली आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट का जो यूज हो रहा है वो एग्रीगेटेड फंक्शन यूज हो रहा है, ज्वाइन यूज हो रहा है, इनर क्वारी यूज हो रहा है, तो यदि आपको हर एक कॉन्सेप्ट का टॉपिक पे पकड़ है तो आप इसको, इस रिक्वायरमेंट को अचीव कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि बीपीओ का 16,400, तो जिस एवरेज सैलरी कितना है 64,000, वो सारे सैलरी जो है वो 16,000 से ज़्यादा है, और सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट का एवरेज सैलरी 28,750, तो उससे जितने से एम्प्लॉय हैं वो तो टोटल 3 एम्प्लॉय हैं। तो इस तरह से आप इस टाइप का रिक्वायरमेंट को अचीव कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द काउंट फंक्शन। ओके, तो काउंट फंक्शन में क्वेश्चन है कि फाइंड द लिस्ट ऑफ कस्टमर विच इज मैरिड, ओके, एंड देर इज नो मिडिल नेम। ओके, बेसिकली द क्वेश्चन है कि आप डीम कस्टमर टेबल है हमारे पास, डीम कस्टमर टेबल के में जितने भी एम्प्लॉय है विच इज मैरिड है, उसका मिडिल नेम नहीं है, तो आप इसको सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डीम कस्टमर आप यहाँ पे पुट करोगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डीम कस्टमर, तो आपको यहाँ पे एक आउटपुट में देगा कि डीम कस्टमर, यहाँ पे आपको आउटपुट में देगा कि डीम कस्टमर में टोटल कितने एम्प्लॉय हैं, तो जो भी एम्प्लॉय का मिडिल नेम नहीं है, लाइक इस एम्प्लॉय का मिडिल नेम नहीं है, और जो मिडिल नेम नहीं है और मैरिड है, तो उसका टोटल काउंट क्या है। तो काउंट फंक्शन बेसिकली यूज करते हैं काउंट स्टार और काउंट
मिडिल नेम में क्या डिफरेंस होता है कि जैसे कि सपोज आप यहाँ पे काउंट स्टार पुट किए और मैं यहाँ पे काउंट मिडिल नेम पुट करता हूँ, तो बेसिकली काउंट स्टार क्या करता है, टोटल वैल्यू को काउंट करता है, और मिडिल नेम कॉलम नेम पास करेंगे तो आपको जो भी उसके नल नॉट नल वैल्यू है उसको काउंट करता है। तो आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे आप देखो डिफरेंस आ रहा है 18484, बट यहाँ पे 1065, मतलब 1065 टेबल में ही ये मिडिल नेम है। आप यहाँ पे देखोगे टोटल 1065 में ही टेबल में मिडिल नेम है, और ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो बेसिकली व्हेन यू पास द कॉलम नेम इज इन द काउंट, आपको ओनली नॉट नल वैल्यू को ही काउंट करेगा, नल वैल्यू को काउंट नहीं करता है, बट स्टार सारे वैल्यू को काउंट करता है। तो मेरा मेन क्वेश्चन है कि विच कस्टमर इज मैरिड एंड देयर इज नो मिडिल नेम, तो यहाँ पे मैंने मैरिटियल स्टेट डाला, काउंट मिडिल नेम डाला, टोटल काउंट डीम कस्टमर ग्रुप बाय मैरिटियल स्टेटस, और लास्ट वीडियो में हम लोग देखे थे वेयर क्लॉज और हैविंग क्लॉज में फिल्टर करने के लिए, बिकॉज वी रिक्वायर्ड ओनली मैरिड। आप इसको फिल्टर नहीं करोगे तो आपको मैरिड और सिंगल दोनों का आउटपुट देगा, तो मैरिड जो इम्प्लॉय है वो 4857 जिसका मिडिल नेम है और इसका 5801 है। ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन है कि देर इज ए मिडिल नेम, ओके देर इज ए मिडिल नेम, यहाँ पे क्वेश्चन को तो सही कहता है जिसका मिडिल नेम है, नो मिडिल नेम करता है तो आपको सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा नॉर्मल व्हाट जो भी वैल्यू आया है उसको, उसके माइनस से वैल्यू को माइनस करना पड़ेगा तो नो मिडिल नेम आएगा, दैट इज द वाइस वर्सा। तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं 5801 टोटल काउंट है जिसका मिडिल नेम है। तो होप आपको समझ में आ गया होगा काउंट फंक्शन कैसे काम करता है। नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट है सम फंक्शन। सम फंक्शन का बेसिकली यूज होता है, सम फंक्शन का बेसिकली यूज होता है कि कोई भी वैल्यू को एग्जैक्ट सम टोटल फाइंड आउट करने के लिए, जो कि हम लोग लास्ट वीडियो में भी देखे थे। तो यहाँ पे है कि फाइंड द ईयरली इनकम फॉर ईच इंग्लिश एजुकेशन, तो आपको यहाँ पे इंग्लिश एजुकेशन यूज करना है, सम यूज करना है, और ग्रुप बाय क्लॉज इंग्लिश एजुकेशन यूज करेंगे तो आपको ईच इंग्लिश एजुकेशन का टोटल सम यहाँ पे देगा। तो ऐसे क्वेश्चन हमको रियल टाइम में हमेशा आते हैं। उसके बाद मैक्स और मीन, ओके मैक्स और मीन बेसिकली यूज होता है मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग एक डुप्लीकेट टेबल क्रिएट करते हैं और हम लोग यूज कैसे देखते हैं कि मैक्स और मीन क्या करता है। तो यहाँ पे हम लोग कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, बेसिकली यहाँ पे एक मेरे पास टेबल है जो वाइल्ड लूप के थ्रू हम लोग कर रहे हैं। तो जब भी मेल रहेगा तो 3 लेटर अपडेट करेगा इन सफिक्स कॉलम में, फीमेल रहेगा तो 4 लेटर अपडेट करेगा। ओके, तो ये मेरा रिक्वायरमेंट है, और बेसिकली ये वाइल्ड लूप यहाँ पे यूज किया हुआ है, ट्रांजेक्शन यूज किया हुआ है जो कि कमिंग वीडियो में आप यूज करेंगे। तो बेसिकली मैक्स और मीन का ज़्यादातर यूज केसेस मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ज़्यादातर यूज केसेस रियल टाइम में होता है लूपिंग पर्पस के लिए। ओके, कोई भी डेटा को लूप करने के लिए, तो लूप कहाँ से स्टार्ट होगा, कहाँ तक जाएगा, इसके लिए मैक्स और मिनिम का यूज होता है। तो यहाँ पे हम डिक्लेयर किए वेरिएबल मैक्सिमम मिनिमम, तो इसमें मैक्स वैल्यू असाइन कर देंगे तो मैक्स वैल्यू जो भी टेबल का रहेगा वो आपको 28924 असाइन हो जाएगा, और मीन का जो वैल्यू असाइन रहेगा वो 10010 असाइन हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे वाइल्ड लूप में मिनिमम ले जाएंगे इक्वल टू मैक्सिमम करेंगे और उससे डेटा को लूप करेंगे। तो ये डिटेल में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अभी बात करेंगे वाइल्ड लूप, बिकॉज वाइल्ड लूप अभी कवर्ड नहीं हुआ है तो आपको अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत होगा। बट मैं यहाँ पे जस्ट यूज केसेस बता रहा हूँ कि बेसिकली लूपिंग में ज़्यादा मैक्स एंड मीन का यूज होता है। तो होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि एग्रीगेटेड फंक्शन का कहाँ पे यूज करते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे डेट टाइम फंक्शन, उसमें भी हम लोग यूज केसेस देखेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, आगे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।